थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव मसेद कुछ दूरी ब्रह्मदेव के स्थान पर सभी ग्रामवासियों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि जनपद पीलीभीत के देव के स्थान पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब ग्रामीणों ने मीडिया के सामने जानकारी दी तो बताया गया कि इस ब्रह्मदेव के स्थान पर सभी भक्तों की मान्यता सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इसी क्रम को लेकर ब्रह्मदेव के स्थान पर समय के अनुसार कथाएं भंडारे भी आयोजित हो रहे हैं। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए ग्रामीण महिलाओं की भीड़ मौके पर जमा होगी। वही बताया गया कि जो भी भक्त श्रद्धा भावना से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करता है तो ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस भंडारे में सभी भक्त लोगों ने शांत व्यवस्था से भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस भंडारे में बर्रामऊ और मसीद दोनों गाँव का भंडारे में काफी सहयोग रहा। इस अवसर पर प्रदीप कुमार, पवन गंगवार, अर्पित गंगवार और अन्य सभी ग्रामीण भंडारे में मौजूद रहे। पीलीभीत से जिला संवाददाता सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। किस पोस्ट से हैं आप? जी मैं राष्ट्रीय युवा सेना से ब्लॉक अध्यक्ष जी। यहाँ पर जो विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, ये दोनों के गांव के सहयोग से आज विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है जिसमें समस्त ग्रामवासी भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जी मसीद और बर्रामऊ के कुछ आधा किलोमीटर पे ये ब्रह्मदेव का स्थान है जी। यहाँ पे सब श्रद्धालु ने उनका प्रसाद ग्रहण किया है जी, और यहाँ पे हजारों व्यक्ति आके प्रसाद ग्रहण किया है उनका जी। ये कहना चाहूँगा जी जी, सभी लोग अच्छी तरीके से प्रसाद ग्रहण करें और इस पर उनसे दया दृष्टि रखें जी। हमारा प्रदीप दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया इसमें? यहाँ पे अभी तो यहाँ पे तो करीब जो है करीब हाँ 500 आदमी आ चुका है और जी आने की संभावना है जी। अभी जो है शाम को 6 बजे तक जो भंडारा कार्यक्रम चलेगा, 6 बजे और सभी लोगों ने मिल कर जो है सहयोग दिया है और सभी भंडारा खाकर सभी लोगों ने अच्छा बताया, अच्छा जी। ये हमारा गरीब ग्राम मसीद और बर्रामऊ का है, ये दोनों जगह का स्थान है, इसीलिए हम इनको हम सभी लोग पूजते हैं और हर साल भंडारा कराते हैं